तो हेलो गाइस, कैसे हो। जैसे कि आप जानते हो, इस लॉकडाउन में माइग्रेंट्स जगह जगह में फंसे हुए हैं, हर इंडिया के हर वो कोने में फंसे हुए हैं। लेकिन आज के लिए मैं जो बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ दिल्ली से है, और दिल्ली के जितने भी लोग जो दिल्ली में फंसे हुए हैं पूरे इंडिया के कहीं से किसी भी स्टेट से, तो उसके लिए आज वो नया एक एप्लीकेशन तो बहुत पहले ही आ चुका था लेकिन वो कभी खुला नहीं। मैंने ये बहुत बार ट्राई किया लेकिन मैं कल ट्राई किया और फिर वो खुला, तब तक आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। एप्लीकेशन है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फिर भी मैं आपको बोल देता हूँ और आप उसको गूगल पे टाइप कर लेना और फिर देख लेना। दिल्ली शेल्टर बोर्ड में आप सर्च करना, वहाँ से माइग्रेंट के लिए एप्लीकेशन है, वहाँ आप जाओगे तो आपको सब कुछ, आपको आगे और भी सब कुछ बताएंगे इसमें पूरा कैसे एप्लीकेशन भरना है। लेकिन ये एप्लीकेशन सब कोई भर सकता है जो अब दिल्ली में फंसा हुआ है, बिहार के लिए, बंगाल के लिए, महाराष्ट्र के लिए, गोवा के लिए, चंडीगढ़ के लिए, हरियाणा, जहाँ के लिए भी ये एप्लीकेशन दिल्ली में फंसे हर लोगों के लिए, जो भी किसी भी स्टेट के हो, इंडिया के हर वो स्टेट के लिए ये एप्लीकेशन एप्लीकेबल है। आप यहाँ से दिल्ली शेल्टर बोर्ड से भर के आपको आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं, तो आपका आगे का प्रोसेस सब कुछ दिखाएंगे, आगे आपको कैसे क्या करना है, और आपको लास्ट में ये भी बताएंगे जो एप्लीकेशन कब खुलता है। अगर आपका एप्लीकेशन हमेशा, अगर सर्वर इरर अभी भी टाइम टू टाइम में सर्वर इरर रहता है, अगर लेकिन फिर भी अगर आपको ये बताएंगे जो एप्लीकेशन कब कब खुलता है, वो बताने से आपको सबमिट करने में बहुत आसान रहेगा। और आप जितने भी मैक्सिमम आप 10 आदमी एक बार में भर सकते हो। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं एप्लीकेशन का प्रोसेस, और उसमें जितने भी स्टेप है स्टेप बाय स्टेप सब कुछ भरना सिखाते हैं और लास्ट में आपको सब कुछ बता। चलो शुरू करते हैं दोस्तों। तो चलो सबसे पहले आपको सर्च करना है दिल्ली शेल्टर बोर्ड। जैसे जैसे आप सर्च करोगे आपको दिल्ली का जो साइट होता है वो खुल जाएगा आपके लिए, और फिर इसके अंदर एंट्री करो। और ये देखो दिल्ली शेल्टर बोर्ड का ये साइट खुल गया, और सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करो, डेस्कटॉप कर लो। इससे आपका कोई भी एप्लीकेशन भरोगे तो आपको कोई भी परेशानी इतना नहीं होगा। तो इसको हम डेस्कटॉप साइट कर चुके हैं, और यहाँ आप खुद से देख सकते हो ये रेड कलर में लिखा फॉर द कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ माइग्रेंट्स के लिए फॉर्म भरने के लिए। तो इसको आप क्लिक करते हो, फिर इसको जैसे ही क्लिक करोगे ये पूरा फॉर्म आपके सामने आएगा। यहाँ पे आपके लिए हिंदी में भी फॉर्म है, इंग्लिश में भी फॉर्म है, दोनों में है। और आप अगर दिल्ली से बाहर जाना चाहते हो तो ये आप पहला चूज़ करो, और फिर अगर दिल्ली बाहर फंसे हो और दिल्ली में आने चाहते हो तो इसमें चूज़ करो। तो मुझे दिल्ली से बाहर जाना है तो इसके लिए मैं यहाँ ये चूज़ किया, आउटवर्ड चूज़ किया। और इसमें आपको सबसे पहले भरना है अपना नाम, भर लो आप। जैसे ही आप नाम भरोगे फिर उसके बाद आपको अपना एज भरना है। एज भरने के बाद अपना आपको जेंडर भरना है, जो आपका जेंडर है वो भर दो। फिर आधार नंबर भरना है आपको, और आधार नंबर भरने के बाद मोबाइल नंबर भरो आप। फिर मोबाइल नंबर के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है डू यू हैव ऑन ट्रांसपोर्ट, आपका खुद का ट्रांसपोर्ट से जा रहे हो या नहीं। तो फिर आपको नहीं जाना खुद का ट्रांसपोर्ट से तो आप नो लिखो, जैसे दिल्ली श्रमिक ट्रेन से भेजेगा तो आपके लिए नो ही यहाँ पे, जैसे जो ऑप्शन है वही ऑप्शन रहने दें। दिल्ली में आप जहाँ भी फंसे हो वहाँ का आपका फुल एड्रेस और साथ में पिन नंबर ज़रूरी दें, और उसके बाद दिल्ली में कौन सा डिस्ट्रिक्ट में हो। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट का पता नहीं है तो आप पिन नंबर को सर्च करना गूगल पे, आपको डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, तो अपना डिस्ट्रिक्ट आप चूज़ कर लेना, जैसे साउथ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, सब तरह का आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो दे देना। जैसे आप पिन कोड भरोगे, पिन कोड भरने के बाद आपके फिर ऑप्शन आएगा यहाँ पे आप दिल्ली कब आए थे, आप वो अपना डेट ये चूज़ कर लो। उसके बाद किस काम के लिए आप आए थे, जैसे यहाँ पे आप देख लो ट्रीटमेंट, स्टूडेंट, प्लीगमेंट, टूरिस्ट, माइग्रेंट लेबर या एनी अदर। जैसे अधिकतर आज माइग्रेंट लेबर है तो उसके लिए माइग्रेंट लेबर भर दे। और उसके बाद डेस्टिनेशन स्टेट, आप कौन से स्टेट में जाना, तो यहाँ आप देख सकते हो इस लिंक में, यहाँ दिल्ली के लिंक से आप पूरी दिल्ली से आप हर स्टेट में जा सकते हो जहाँ के लिए आपको फॉर्म भरना है। तो मुझे जैसे बंगाल में जाना, तो जैसे मुझे बंगाल जाना है तो मैं बंगाल भरूंगा, या तो फिर बिहार जाना है तो बिहार भरूंगा। जैसे मुझे बंगाल जाना तो मैं बंगाल भरा, और आपको जहाँ जाना है वहाँ के लिए आप भरो। और डेस्टिनेशन डिस्ट्रिक्ट, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आप डाल दो। जैसे डिस्ट्रिक्ट डालोगे आपका पूरा एड्रेस, जो आपका घर का एड्रेस है वो एड्रेस विद पिन कोड डाले। और उसके बाद वहाँ घर पे आप क्या करते हो, स्टूडेंट हो या फिर वहाँ वर्कर वहाँ भी हो आप, तो उसके लिए आप पूरा भर दें उस प्लेस में। और आप कोई में, और यहाँ पे आपके लिए दिया हुआ एनी मेडिकल कंडीशन, तो आपका कोई मेडिकल कंडीशन अगर नहीं है तो नो भरे, अगर है तो आप यस भरे। और कितना आदमी आप जाना चाहते हो, तो यहाँ अगर एक आदमी जाना तो एक भरो, अगर मैक्सिमम यहाँ पे 10 आदमी का भर सकते हो आप। जैसे ही 10 आदमी का भरोगे उसके बाद आपको कुछ लिखना है यहाँ पे, जैसे ही आप अगर श्रमिक हो, आप माइग्रेंट हो, और
आप लेबर हो तो उसके लिए आप अपना पूरा चीज़ भर दो, या स्टूडेंट हो तो उसके हिसाब से आप अपना रिमार्क कुछ 100 वर्ड के भर सकते हो उसके। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आई एम नॉट अ रोबोट जहाँ लिखा हुआ उसको आप क्लिक करो, ये आप सबमिट करोगे। जैसे ही आप इसको सबमिट करोगे उसके बाद आपको सीधे नेक्स्ट पेज में आएगा। तो आपको यहाँ पे OTP को डालना है और सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे ये आपका रेफरेंस नंबर आ गया और आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया। जैसे कि ये एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है, और आपको बताते हैं अगर आपका सर्वर कभी भी डाउन हो जाता है तो आप उसको क्या करो, रिफ्रेश करो। कभी भी डायरेक्ट काटो मत, आप रिफ्रेश करते रहो 2-3 बार में। अगर OTP सबमिट नहीं होता है तो 2-3 बार रिफ्रेश करो, सबमिट हो जाएगा और आपको रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपको 3-4 दिन में या हफ्ते दिन में आपको मैसेज आएगा और उसमें आपको पर्सनल डिटेल्स कुछ भरने का देगा। वो भरने के बाद फिर आपको कुछ दिन के अंदर जैसे ही आपको कॉल आएगा, जो आप दिल्ली से बाहर जाना चाहते हो या फिर यहीं रहना चाहते हो, अगर आप बाहर जाना चाहते हो तो आप यस करोगे और आपको वो खुद बताएगा जो कहाँ पे आपको अपना चेकअप के लिए आना है। जो आपका नज़दीकी जगह होगा वो आपको बताएगा और वहाँ पे जाके अपना आप चेकअप करवा सकते हो। चेकअप करने के बाद जैसे ही आप चेकअप करवा लोगे फिर आपको मैसेज आएगा जो ट्रेन कब है और आपको कब निकलना है वहाँ से, ये आपको मैसेज आएगा। तो अगर आपको टाइमिंग पता नहीं, अगर सर्वर आपका डाउन रहता है हमेशा और खुलता कभी भी नहीं, तो आपको टाइमिंग बहुत ही अच्छा चीज़ बताते हैं जिससे आप हमें अपना सब कुछ सबमिट, अपना एप्लीकेशन आप सबमिट कर सकते हो। जैसे अगर अभी 10 बज रहा है तो आप उससे पहले 9:58 में उस साइट में जाएं, आप 9:58 में आप बार बार सर्च करते रहें तो आपका साइट वो खुल जाएगा। फिर साइट खुलते ही आप उसको सबमिट करते, कम से कम वो सिर्फ 10 मिनट के लिए रहता है, फिर 10 तक ऑफ हो जाएगा। फिर 1 घंटे बाद फिर जो खुलेगा वो साइट, तो आप फिर 11 बजे उस साइट में इंटर करना और 10 मिनट तक रहेगा फिर सबमिट करना। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चलता है तो इसी तरह करते करते 11-12 मतलब हर घंटे में 1-1 घंटे में वो साइट खुलते रहता है सिर्फ 10-12 मिनट के लिए। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत किसी को इस चीज़ का जानकारी नहीं है, इसीलिए आप कभी भी अपने चीज़ को 1 घंटे 1 घंटे में अगर नहीं हो रहा तो 1 घंटे में पूरे जब एक्यूरेट टाइम होता है 10 बजे तो 10 बजे आप सर्च करो, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा और OTP देखे रेफरेंस नंबर आ जाएगा। होप यू गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें, इससे और किसी को मदद हो जाएगा समझने के लिए कोई भी चीज़ के लिए। तो चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों।